In this lecture, we will talk about the different support condition at which or on which the cable is attached. The main cable is attached. So the first case is cable passed over guide pulley at the support. कहने का मतलब है ये आपकी supporting pier है, ठीक है, या तो supported tower है, ये main cable है जो कि आपका suspended cable होता है, जिसको हम suspended cable भी कहते हैं, और ये आपका anchor cable है. अब देखिए ये pulley से attached है. Pulley तो समझ ही रहे आप, ठीक है, तो पुली से अटैच है, तो ये जो मेन केबल है, ठीक है, इसी का कंटिन्यूएशन क्या है, एंकर केबल है, ठीक है, यानी कि जब पुली पे सपोर्टेड होती है मेन केबल, तो उसी का कंटिन्यूएशन क्या होता है, एंकर केबल होता है. तो ये टेंशन लेगी, वो टेंशन यहाँ ट्रांसफर करेगी, वो एक्चुअली कहाँ चला जाएगा, फाउंडेशन. तो अगर मैं इस केस में बात करूँ, ठीक है, इस केस में मैं बात करूँ, तो ये टेंशन टी लेगा, ठीक है, मेन केबल, और एंकर केबल भी क्या लेगा, टेंशन टी लेगा, ठीक है, दोनों में टेंशन क्या होंगे, सेम होंगे. अगर मैं बात करूं मेन केबल पर टेंशन की, तो मेन केबल पर टेंशन कैसे निकालेंगे, वर्टिकल रिएक्शन कितना है उस पॉइंट पे प्लस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना है, तो उससे निकालेंगे. तो स्क्वायर रूट ऑफ वर्टिकल रिएक्शन का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का स्क्वायर, क्लियर. अगर मैं बीटा जो इंक्लाइनेशन है, तो टैन बीटा कितना हो जाएगा, टैन बीटा विल बी इक्वल्स टू वी अपॉन एच, टैन बीटा विल बी इक्वल्स टू वी अपॉन एच. अब सपोज, अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इन दोनों में टेंशन सेम है. अगर पुली से पास हो रहा होता है, ठीक है, पुली से सपोर्टेड है मेन केबल, तो मेन एंकर केबल जो होगी वो मेन केबल की कंटिन्यूएशन होगी, ठीक है, तो दोनों में टेंशन क्या होगी, सेम होगी. अल्फा क्या है, लेट अल्फा बी द इंक्लाइनेशन ऑफ एंकर केबल, इंक्लाइनेशन ऑफ एंकर केबल, इंक्लाइनेशन ऑफ एंकर केबल. तो अगर मैं बात करूं टोटल वर्टिकल फोर्सेस की, जो इस पियर को मिलेगा, इस सपोर्टेड टावर को मिलेगा, ठीक है, तो टोटल वर्टिकल लोड, ठीक है, ट्रांसमिटेड टू द पियर, वर्टिकल लोड यानी कि इसको हमने कर दिया, इसका हमने साइन कंपोनेंट, इसका साइन कंपोनेंट, इसका साइन कंपोनेंट, दोनों की एक डायरेक्शन में होगी, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है, वर्टिकल लोड ट्रांसमिटेड टू पियर कितना होगा, ट्रांसमिटेड टू पियर और सपोर्टिंग टावर, ये हो जाएगा आपका टी साइन बीटा प्लस टी साइन अल्फा, ठीक है, तो ये कितना हो सकता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा वर्टिकल लोड ट्रांसमिटेड टू द पियर. इफ यू टॉक अबाउट नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसमिटेड टू द पियर, तो क्या होगा, इसका कॉस कंपोनेंट, अब देखिए इसका कॉस कंपोनेंट इधर आएगा और इसका कॉस कंपोनेंट उस डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये टी कॉस बीटा माइनस टी कॉस अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं टी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा. तो अगर आपको टी पता हो, एंगल पता हो, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स पियर पे या तो सपोर्टिंग टावर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. अब पियर में कुछ बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, क्योंकि देखिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना, टी कॉस बीटा माइनस टी कॉस अल्फा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ होगा, तो इस पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ और हाइट ऑफ पियर, ठीक है. बेंडिंग मोमेंट की अगर मैं बात करूँ, bending moment at pier will be equals to horizontal force multiplied by height of pier. तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है. अगर आपको पुली का केस दे दिया गया और ये सब चीज़ें पूछी जाए, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा. तो ये पुली का केस हो गया. नेक्स्ट लेक्चर में हम सैडल रोलर का बात करेंगे कि उसमें क्या होता है, ठीक है. थैंक यू.